सुनो एक कबाड़ी था, वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेड़ी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेड़ी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के दो लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है, क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ, अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं जमीन पर कैसे गिरा, मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूँ, इसमें आमरस निकलेगा, उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था, ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था, उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है, और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तुम्हें वापस ले लेता हूँ। पर हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।